स्वागत है आपका महीम सरदार। कुछ दिन पहले मोहसिन इनामदार का खून हुआ था, हमारे वास्तव न्यूज चैनल ने आपको बताया था। अब इसकी कहानी ऐसी है कि मोहसिन बहुत दिनों से अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाना और कुछ लोगों के साथ मिलना जुलना जोर था, और दोस्तों के जन्मदिन पर डोली बाजा के सामने हाथ में तलवार और बंदूक लेके नाचना, इनका जश्न बनाना। और कुछ जो लोग यही भी कर रहे थे कि डॉन बनने की भी कोशिश कर रहे थे मोहसिन इनामदार, और ना जाने इनके दो ग्रुप में छोटे मोटे झगड़े चलते ही रहते थे। मगर लोगों का ये कहना है कि पीरा की ऑफिस उनके घर के करीब थी, और उसके ऑफिस के सामने ही, इनके परिवार वालों के सामने ही मोहसिन का खून कर दिया, और कुछ देर पहले हॉस्पिटल में ले गए, और उसके बाद में उसने दम तोड़ दी। और मरते मरते ये भी कहा कि कितने लोग मुझ पर वार किए, इन परिवार वालों के सामने मोहसिन इनामदार कह के ही दम तोड़ दिया। उसके घर के कुछ करीब अब्दुल रजाक हौरती माजी मेंबर, उसके घर के ऊपर कुछ सीसी कैमरे में ये हादसे का रिकॉर्ड भी हो चुका है। ये सीसी कैमरे रिकॉर्ड में अगर पुलिस सही तहकीकात करेगी कि गुनहगार कौन है और कौन नहीं है, ये पता चल जाएगा। उतना ही नहीं, कुछ दिनों में पीरा, इनको बुक्की पीरा के नाम से जानते हैं इस मोहल्ले में, बुक्की पीरा थोड़े ही दिन में करोड़पति बन गए। ये बनने के बाद में ये ऑफिस खोल दिए, और कुछ दिनों में मेंबर भी बनना चाहते थे। ऐसे में ये एक हादसा हो गया। इसकी ऑफिस ऐसी है, ये ना नेता है, ना कोई आरपीएस अधिकारी है, ना कोई डीसी है, ये एक आम आदमी है। आपने सुना होगा ऑफिस किसकी होती है, अधिकारियों की होती है, डीसी की होती है, आरपीएस की होती है, एसी और तहसीलदार, कुछ वकीलों की होती है, और कुछ लोगों की ऑफिस होती है। हमारे विजयपुर के शहर में आजकल ऑफिस गुंडों की हो रही है, ताकि इनकी ऑफिस कैसे रहते आप जानते गए, आपको शहर के लोगों को मालूम भी है। अगर आप कोई मुसीबत में या कोई परेशान में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो कहते हैं कि मेरे ऑफिस आ जाओ। ऑफिस उनकी रहती है जो अधिकार में रहते हैं, जो लोगों की मदद में रहते हैं। आजकल ऑफिस गुंडों की बन गई है हमारे विजयपुर शहर में। किस किस तरह के ऑफिस बन गई है आपको अच्छी तरह मालूम है, ऑफिस किसकी रहना है और किसकी रहना नहीं है। कुछ दिन पहले ये कुछ केसों में या हॉप मर्डर या मर्डर केसों में जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद में उनकी जेल से जमानत पर आते हुए कुछ लोग विजयपुर में ऐसे हैं युवकों ने, उनकी गुलपुशी करते हैं और उनको सम्मान करते हैं, और सम्मान के साथ में उनके घर को पहुंचाते हैं। जैसे कि एक शादी की दूल्हे की बारात आती है, उसी तरह इन गुंडों को अपनी पूरी सम्मान के साथ अपने घर पहुंचाते हैं। ये कोई जाने माने गुंडे नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर के गुंडे। इन मुट्ठी भर के गुंडों के लिए आज उन गलियों में ऑफिस बनाते हैं, और कुछ युवक उनके साथ में रहकर उनके तलवे चाटते हैं। कुछ छोटे मोटे काम करने के बाद एक बहुत बड़ा मोहल्ले का गुंडा बनता है वो, और उस गली में इंसाफ करने के लिए बैठता है, और उस ऑफिस में इंसाफ करता है। मगर ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कोई अधिकारियों का कोई ये नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं। नेता भी होता तो माजी ही होता, माजी का ऑफिस नहीं होता, अधिकार में जो होता है उसकी ऑफिस होती है। आजकल शहर में ऐसा चल रहा है, ऐसा चलने के बाद हम किसके पास
सहारा लेना है, किसके पास नहीं लेना है, हम बीजापुर के जनता सोचना चाहेंगे।